शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी का पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अनुराधा। शिक्षार्थियों, आपने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उसमें अलग अलग तरह के पात्रों से आपका परिचय हुआ होगा, अलग अलग विषय और अलग अलग स्थितियों को आपने कहानी में देखा और समझा होगा। आज जिस कहानी को हम पढ़ेंगे, उस कहानी की मुख्य पात्र हैं, मुख्य चरित्र हैं अनुराधा। यह कहानी एक ऐसे स्त्री की कहानी है जिसका पति एड्स से पीड़ित है और एड्स का रोग होने के बाद कैसे समाज में और परिवार में एड्स का रोगी उपेक्षित हो जाता है और उसकी सेवा करने का सारा दायित्व उसकी पत्नी अनुराधा पर आ जाता है। आप इस कहानी के माध्यम से समाज में एड्स रोगी के प्रति क्या दृष्टिकोण हमारा है, ये भी समझेंगे, ये भी जानेंगे, और इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में स्त्री की क्या भूमिका होती है, परिवार में स्त्री किस तरह उपेक्षित होती है और किस तरह वह संघर्ष करती है अपने अधिकारों के लिए, उसके सामने समाज की कौन कौन सी विसंगतियाँ और कौन कौन सी विडंबनाएँ आती हैं और उन परिस्थितियों में वो कैसे संघर्ष करते हुए अपना रास्ता बनाती हैं, इसे भी आप देख और समझ सकते हैं। शिक्षार्थियों, आइए सबसे पहले हम इस कहानी के मुख्य उद्देश्य को जान लें। प्रस्तुत कहानी पढ़ने के बाद आप मिथकों और भ्रांतियों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में जागरूक हो सकेंगे। दैनिक जीवन में आने वाली संभावित समस्याओं के प्रति सावधान हो सकेंगे। सही समय पर निर्णय न लेने के परिणाम बता सकेंगे। एड्स ग्रस्त परिवार और समाज के बीच संबंधों पर आप टिप्पणी कर सकेंगे। भारतीय परिवार में नारी की स्थिति और उसके संघर्ष की विवेचना कर सकेंगे। यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और इसके साथ ही आप अनुराधा कहानी का सार बता सकेंगे। शिक्षार्थियों, इस कहानी के लेखक हैं पंकज कुमार। पंकज कुमार जी का जन्म 1 जून 1983 को हुआ। पंकज जी दर्शन शास्त्र में बीए करने के बाद इसी विषय में एमए कर लिए हैं और बहुत छोटी आयु में ही इन्होंने उत्तराखंड सम्मान 2006 प्राप्त किया है। प्रस्तुत कहानी युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित कहानी है, जिसे साहित्य अमृत पत्रिका के फरवरी 2006 के अंक में प्रकाशित किया गया है। आपने देखा कि लेखक ने यह कहानी एक प्रतियोगिता के लिए लिखी थी, लेकिन इस कहानी में जो भाव हैं, जो संवेदना है, वो इतनी गहरी है कि इससे हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने समाज में हम संवेदनशील ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, आइए कहानी के अलग अलग अंशों को हम समझने का प्रयास करें। इस कहानी का प्रारंभ होता है इसकी नायिका अनुराधा के चिंतन मनन से, जहां जीवन के वास्तविक संदर्भों में अधिकार का अर्थ खोजने का प्रयास करती है अनुराधा। उसे लगता है कि अधिकार बनते तो हैं सबके लिए समान रूप से, परंतु उसका लाभ केवल सबल ही उठा पाते हैं। अनुराधा अपना वजूद सुरक्षित कर लेना चाहती है। उसे आत्मज्ञान हो गया है कि वह भी इस सृष्टि की एक अनमोल कृति है, सृष्टि के विकास में उसका भी योगदान है, तो फिर वह सिर्फ दायित्व वहन के लिए ही क्यों विवश रहे? क्या जीवन जीने का सामान्य सहज सा अधिकार मांगना भी अनुचित है? यह सब प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, उसे मथते रहते हैं।
और ये कहानी पढ़ते हुए ये सवाल आपके भी मस्तिष्क में जरूर उभरेंगे। कथा के प्रारंभिक अंशों से सहज ही जिज्ञासा उभरती है कि अनुराधा के साथ ऐसा क्या घटित हुआ जो वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई और उसने निश्चय किया कि वह स्वयं को योग्यतम सिद्ध करेगी। कथा की परतें खुलने लगती हैं। आगे की पंक्तियों में ही वह बताती है कि उसके पति विजय अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु एड्स से हो चुकी है। परंतु कथा के आरंभ से इसके सूत्र जुड़ जाते हैं। वह कहती है कि देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? वास्तव में मान मर्यादा का, स्त्री की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न जितना विवाह से पूर्व महत्वपूर्ण है उतना ही विवाह के बाद भी। वैवाहिक जीवन की सफलता तो पति पत्नी दोनों पर निर्भर है। तो फिर इस जीवन में एक अति महत्वपूर्ण और दूसरा पूर्णतया नगण्य कैसे हो सकता है? पति को स्वामी कहा जाए तो फिर गृह स्वामिनी को दासी ही क्यों माना जाए? इस तरह के सवाल अनुराधा के मन में उठते हैं और लेखक बहुत ही संवेदनशीलता से इन सवालों का हल इस कहानी में ढूंढने का प्रयास करता है। आइए देखें कि आगे की कहानी में अनुराधा किस तरह अपने जीवन को समझने का और उस जीवन से संघर्ष करने का प्रयास करती है। अनुराधा की जीवन कड़ियों का प्रारंभ होता है। अनुराधा शहर में पली बढ़ी एक सामान्य मध्यवर्गीय नारी थी जिसने ललित कला में बीए किया था। वह उसी विषय में अपना कैरियर बनाना तथा प्रसिद्धि पाना चाहती थी, परंतु माता पिता की इच्छा अनुसार शीघ्र ही उसे विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। उसके पति नौकरी तो शहर में करते थे परंतु रहते गांव में थे। इसी कारण अनुराधा भी विवाह के पश्चात गांव में ही रहने लगी। विवाह के प्रारंभिक दिनों में अनुराधा को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई, परंतु 2 साल के बाद जब वह मां नहीं बनी तो उसकी सास के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बाद में जब अनुराधा मां बनने की इच्छा करती है तो विजय इसे हंसकर टाल देता है और वह बीमार रहने लगता है। जब जांच होता है तो पता चलता है कि विजय HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर की अन्य हिदायतों के साथ अनुराधा को पति से दूर रहने की विशेष सावधानी भी शामिल रहती है। विजय के रोग के संक्रमण के भय से उसका छोटा भाई अजय भयभीत होकर घर छोड़ जाता है और अन्य रिश्तेदार भी, यहाँ तक कि विजय के माता पिता भी उचित जानकारी के अभाव में डर कर यथासंभव विजय से दूर रहने लगते हैं। उनका घर घृणा का पात्र बन जाता है और जिस समय विजय को अधिक प्रेम, सहानुभूति, निर्देशन और देखरेख की आवश्यकता होती है उस समय सब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। परिवार में एक सदस्य को HIV पॉजिटिव है, ऐसे में क्या अजय की भांति पलायन कर जाना आप ठीक समझते हैं? क्या अनुराधा और विजय की भांति चुपचाप स्वीकार कर लेना और कुछ न करना ठीक है? आप मानेंगे कि दोनों बातें ठीक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले परिवार के सदस्यों में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। एड्स दबाने छिपाने से लाभ नहीं, हानि ही होती है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि रोगी के साथ सामान्य व्यवहार और संपर्क से एड्स नहीं फैलता, यह तो केवल
रोगी के रक्त के आदान प्रदान से या उससे यौन संबंधों से फैलता है। कहानी में अनुराधा को भय से आक्रांत दिखाया गया है, परंतु संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं से बंधी वहीं रहने और वही करने को मजबूर हो गई थी जैसा पति का अंध प्रेम चाहता था। यही कारण था कि वह डॉक्टर की चेतावनी की अवहेलना कर विजय के कमरे में ही सोती रही ताकि विजय एकाकी महसूस न करें, मृत्यु से पहले और अधिक कष्ट का अनुभव न करें। परंतु अनुराधा का यह अपनापन, त्याग भावना और निस्वार्थ सेवा उसके पति की इस चेतना और समझ को विकसित नहीं कर पाए कि डॉक्टर की बात मानते हुए अब उसे अनुराधा के अति समीप से बचना चाहिए। दूसरी ओर अनुराधा की सास भी अपने बेटे को कुछ समझाने की अपेक्षा बहू को ही औरत का धर्म समझाती रहती है। यद्यपि वह स्वयं अपने पुत्र के निकट जाने में कतराती थी, तथापि बहू को पति की इच्छा पूर्ति करते हुए अपने सब लोग सुधारने की शिक्षा देना नहीं भूलती। अनुराधा चिल्ला चिल्ला कर विद्रोह करना चाहती थी तथा अपने सास को समझाना चाहती थी कि स्त्री के पास शरीर ही नहीं दिल और दिमाग भी होता है, पर आदर्श बहू के संस्कार उसे मौन कर देते थे। आप सोचिए, क्या इस सीमा तक उसका झुकना, चुप रहना ठीक था? शिक्षार्थियों, आइए कहानी के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए देखें कि इस कहानी में अनुराधा किस तरह अपने पति की सेवा करती है और अपने जीवन में संघर्ष करती है। स्वयं से संघर्ष करते हुए अनुराधा के दिन बीतते रहे और उसके पति की बीमारी बढ़ती गई। अंततः वह घड़ी भी आ पहुंची जिसका पता सबको था। रात्रि का समय था जब विजय के पास अकेली अनुराधा ही बैठी थी कि उसने प्राण त्याग दिए। पति की मृत्यु के पश्चात विधवा रूप में आते ही अनुराधा के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। अनुराधा गर्भवती है, यह जानकर भी उसके सास ससुर अनुराधा के स्वास्थ्य की जांच करवाने को तैयार नहीं होते। देवर अजय ही उस समय आगे आकर इस बात पर बल देते हैं कि भाभी तथा होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की जांच करवा लेनी चाहिए तथा यथासंभव उन्हें भाई के रोग से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। परंतु सास की कड़ी नज़रें तथा वचनों के आगे अनुराधा विरोध को दबाकर रह जाती है। विजय की बीमारी के दौरान घर की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत प्रभावित हुई, लेकिन बाद में बीमा कंपनियों और दफ्तर आदि से जो सहायता राशि मिली उससे कुछ हालत सुधरी। यह राशि सिर्फ अनुराधा के हस्ताक्षर के बाद ही प्राप्त हो सकती थी, यह जानकर उसकी सास को अच्छा नहीं लगा। ससुर के साथ शहर जाने के बाद उसका बैंक में खाता खुलवाया गया, पर वह खाता संयुक्त रखा गया उसके और अजय के नाम से। यह देखकर अनुराधा विचलित हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था पति की धनराशि पर जो सिर्फ उसके नाम थी उसके सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। पर हर बार की तरह अब भी वह अपनी भावनाओं को दबाकर रह गई थी, खुलकर विरोध नहीं कर पाई। अनुराधा मनोवेगों पर नियंत्रण रखते रखते स्वयं ही जूझ रही थी। वह जानने को बेचैन थी कि कहीं वह रोगग्रस्त तो नहीं। यदि वह रोगग्रस्त है तो क्या आने वाला बच्चा भी संक्रमित होगा या नहीं? वह किसी के साथ इन समस्याओं को बांट नहीं पा रही थी। परिणामस्वरूप उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। स्वयं से संघर्ष करते करते अनुराधा को एक बात तो स्पष्ट रूप से
समझ में आ गई थी और वह यह कि वह मरना नहीं चाहती, न तो बीमारी की अवस्था में बिना जांच और इलाज कराए, न ही मन घुटते घुटते मानसिक आरोग्यशाला में मनोरोगी बनकर। उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसे अब अपने अतीत रोग भय आदि से मुक्त होना ही होगा। सारी शक्ति बटोर कर ठोस निर्णय लेकर अगले दिन वह ससुर के सम्मुख जा खड़ी हुई और साहस के साथ अपने चेकअप कराने की मंशा जाहिर की। उसने विद्रोह के स्वर में अपने इलाज, पैसे, चेकबुक, पासबुक सबकी मांग की और यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह उन पर निर्भर न रहकर स्वयं तसल्ली से अपना इलाज कराना चाहती है। अनुराधा ने तुरंत ही शहर जाने का निर्णय कर लिया। आंतरिक संतुष्टि के साथ साथ आज उसे बाहरी व्यवस्थित साज सज्जा पर भी विद्रोह की आवश्यकता अनुभव होने लगी। उसने साड़ी बदली, बाल संवारे और विधवाओं के लिए वर्जित समझी जाने वाली बिंदी भी लगाई, क्योंकि वह अनुभव कर रही थी कि वेशभूषा भी व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसे जीवन को सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है तो दिखना भी वैसा ही होगा। स्वयं में आत्मविश्वास भरने के लिए उसे जीवन में सहजता अपनानी होगी। असहज और अलग दिखकर वह सामान्य जीवन कैसे जी पाएगी? अनुराधा के एक ठोस निर्णय ने अब उसके समक्ष आने वाली सारी बाधाओं को छोटा कर दिया था, इसलिए वह अकेली ही अजय के घर पहुंच गई। देवर देवरानी यानी अजय और उसकी पत्नी करुणा पहले तो उसका साहस देखकर हैरान हुए कि वह अकेले कैसे शहर चली आई उनके घर तक, पर शीघ्र ही उनके मन में श्रद्धा भाव जाग उठा। दोनों ने उसका स्वागत किया। उपेक्षाओं के बीच जीते हुए अनुराधा अजय के आदरपूर्ण व्यवहार से थोड़ी चौंक गई। देवरानी करुणा ने भी उसे संबल दिया और उसका बाहर निकलना उचित माना। अनुराधा के पूछने पर अजय ने स्पष्ट किया कि वह समझ गया है कि जीवन में आए संकटों तथा जिम्मेदारियों से भागना संभव नहीं है, न ही यह उनके बचने का कोई स्थायी उपाय है। सावधानियां बरतना उचित है, किंतु भय से भागना अनुचित। मनुष्य को इसी संसार में, इसी समाज में रहना है तो इसकी बुराइयों, कमियों, कष्टों से बचकर वह कहाँ भागेगा? अजय का यह निष्कर्ष सर्वथा उचित है। सच है कि एड्स हो या कोई अन्य बीमारी, संसार का कौन सा ऐसा भाग है जो इन सब से रहित है? सावधान रहें तो हम इन खतरनाक बीमारियों से बचाव के उपाय ढूंढकर उसे पराजित कर सकते हैं, उसका निदान खोज सकते हैं। पर अगर ऐसे में यदि हम रोगग्रस्त व्यक्ति को छोड़कर ही चले जाएं, उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगें, उसकी जांच करवाए बिना उसे रोगी मान लें, बीमारियों के निदान के लिए प्रयास ही न करें, तो इस प्रकार तो जैसे रोगों के संकट समाज को घेरे ही रखेंगे। अजय का आत्मविश्वास से पूर्ण यह निष्कर्ष हमें भी संघर्षों से जूझने और उन पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। जीवन युद्ध भूमि, कर्म भूमि है तथा अनुराधा उसके संघर्ष के लिए तत्पर। वह जीने के लिए, अधिकारों के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने को कटिबद्ध है। इस मार्ग में अब कोई बाधा उसे रोक नहीं पाएगी। संस्कार, मोह तथा संबंध आदि से ऊपर उठकर यहाँ तक कि आवश्यक हुआ तो शालीनता को भी त्याग कर वह अनवरत इस जीवन संघर्ष में जुटी रहेगी। इस कहानी का अंत
वास्तव में नारी के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की शुरुआत है। यहाँ अनुराधा के जीवन में एक नया मोड़ आता है जहाँ से वह स्वयं के लिए जीवन जीने का संकल्प लेती है। तो शिक्षार्थियों, आपने देखा कि कैसे एक स्त्री पूरी कहानी के केंद्र में है और उसके जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी बाधाएं आती हैं, और अनुराधा उन बाधाओं को बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही दृढ़तापूर्वक अपने कदम बढ़ाती रहती है और अंत में जो लक्ष्य वो निर्धारित करती है उस लक्ष्य को प्राप्त भी करती है। आइए इस कथा के शीर्षक पर विचार करें। शिक्षार्थियों, किसी भी रचना का उपयुक्त शीर्षक वह होता है जो उसके मूल कथ्य से पूरी तरह जुड़ा हो। इस दृष्टि से अनुराधा शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि कथा का पूरा ताना बाना उसकी प्रमुख नायिका अनुराधा पर ही बुना गया है। पूरी कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो दूसरे पात्र इस कहानी में आए हैं वे भी अनुराधा ही के चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस कहानी में प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं पर हम चर्चा करें। यह कहानी एक समस्या प्रधान कहानी है, इसलिए इसमें चिंतन प्रधान शैली प्रमुख है। नारी मन की अंतर्व्यथा का वर्णन करते हुए मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी प्रयोग पंकज कुमार ने किया है। कहानी में विजय की मृत्यु के बाद की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए वृत्तात्मक शैली का भी प्रयोग है, जहां विस्तार पूर्वक अनुराधा के माध्यम से एक भारतीय विधवा की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। गांव के घर का वर्णन करते हुए वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं समस्याओं को उभारने के लिए व्यंग्यात्मक शैली भी प्रयोग में लाई गई है। कहानी में कहीं कहीं चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इस कहानी में वाक्य रचना सरल तथा आम बोलचाल की है, जिसमें भावानुरूप, तद्भव, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनमें से कुछ शब्दों को हम यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तत्सम शब्द, कर्तव्य, दायित्व, प्रवाह, दुष्परिणाम, संक्रमण, दासत्व, प्राप्य, निकटवर्ती, विवरण, अज्ञात, अभिशाप, दावानल, साक्षी, शुश्रूषा, द्वंद, प्रकरण, पैतृक, आरोग्यशाला, ये संस्कृत निष्ठ शब्द हैं और इन्हें तत्सम शब्द हम कहते हैं। कुछ तद्भव शब्दों का भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें आज, मेरा, आंसू, पिता, पूरब, पलंग आदि शब्द आए हैं। देशज शब्दों का भी प्रयोग इस कहानी में हुआ है, जैसे छींचते, घर घर, सटाकर, तुरत फुरत, रुलाई, अटकी, उकसाया आदि शब्द देख सकते हैं। विदेशी शब्दों में वजूद, हजामत, हैसियत, मुताबिक, पुश्तैनी, खैराती, बिरादरी, हक, हिकारत, तमाशबीन, अव्वल, ये उर्दू और फारसी के शब्द हम देख सकते हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इस कहानी में हुआ है, जैसे पासबुक, पीएफ, चेकबुक, एचआईवी पॉजिटिव, केस हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, लेडी डॉक्टर आदि। कहानी में सूक्ति वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से ही आता है, या औरत देह ही नहीं दिल और दिमाग भी है। अभिधा ही नहीं लक्षणा और व्यंजना द्वारा भी लेखक ने
अव्यक्त को स्पष्ट कर दिया है, जैसे विजय पुरुष थे, मेरे स्वामी थे और मैं उनके जन्म जन्मांतर की दासी। या फिर एक भारी अंतर यह था कि विजय पुरुष थे और मैं स्त्री। स्त्री होने के बावजूद उन्हें उपेक्षा और घृणा का दंश झेलना पड़ा, लेकिन मेरा क्या होता। कुछ वाक्य अत्यंत गहराई लिए हैं, जैसे जब समय को लकवा मार जाता है तब सन्नाटा स्वयं चीखने चिल्लाने लगता है। स्क्रीन पर जो बातें आपने पढ़ी देखी, स्पष्ट है कि लेखक की लेखनी में काफ़ी क्षमता है तथा उन्होंने मात्र भाव, संदेश, कथानक, वातावरण आदि सबका ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार की शैलियों का यथास्थान प्रयोग किया है। मूल कथ और सहजता को बरकरार रखते हुए शब्द भंडार में कहीं से भी कोई शब्द लेने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया है। शिक्षार्थियों, आइए एक बार हम कहानी के निष्कर्ष को फिर से समझते हैं। पंकज कुमार द्वारा नारी के जीवन की समस्याओं को उभारने वाली यह कथा इस बात का प्रमाण है कि नारी समाज हो या पुरुष वर्ग, दोनों ही बढ़ती सामाजिक विसंगतियों के शिकार हैं। दोनों ही भ्रमित हैं तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेखक चाहता है कि समाज एड्स जैसे रोगों के कारण और निवारण के उपाय के प्रति सचेत हो। व्यक्ति अपने मन से भ्रमों को निकालकर खुलकर इन विषयों पर चर्चा कर सके। इस प्रकार अनेक भयावह परिणामों से वह स्वयं को बचाने में सक्षम हो पाए। विजय की नासमझी दिखाकर लेखक ने इसी ओर ध्यान आकर्षित किया है। अंत में अजय ने सावधानी के साथ जीने परंतु जिम्मेदारियों से न भागने का जो निष्कर्ष निकाला है, वही वास्तव में उचित जीवन शैली है। अनुराधा भी अंत में जिस प्रकार स्वयं तथा होने वाले बच्चे के भविष्य को संवारने का निश्चय कर संघर्ष के लिए तत्पर हो उठती है, वह पाठकों को भी अस्तित्व रक्षा की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।